नमस्कार, मैं सुमन, आप देख रहे हैं माय भारत न्यूज। आज डालते हैं ताज़ा खबरों को फटाफट अंदाज में। फरीदाबाद में पुलिस ने वकील की हत्या के महज 8 घंटे के अंदर एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि बीते सोमवार को मॉर्निंग वॉक पर निकले वकील की गोली मार के हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद 5 टीमों का गठन किया गया था। गोंडा के परसपुर थाना क्षेत्र में दलित महिला से सामूहिक दुष्कर्म मामले में घटना के एक हफ्ते बीत जाने के बाद भी महिला की कोई सुनवाई नहीं की गई है, बल्कि उल्टा पीड़ित महिला पर ही मुकदमा लिख दिया गया है। वह इंसाफ न मिलने पर महिला ने आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। लखनऊ के काकोरी ट्रेन एक्शन के अमीर शहीदों की याद में केंद्रीय राज्य मंत्री ने दीपक जलाकर मशाल जुलूस निकाला और लोगों से नशा मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान हजारों लोगों की मौजूदगी में अमर शहीदों के सम्मान और नशा मुक्त हिंदुस्तान के नारे लगते रहे। अमेठी के मुसाफिरखाना की पीआरवी में तैनात हेड कांस्टेबल दयाराम की मौत हो गई है। हेड कांस्टेबल को सांस लेने में तकलीफ के चलते साथी पुलिसकर्मी उन्हें मुसाफिरखाना सीएससी ले गए थे, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया था। वहीं जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। औरैया में कोहरे के कारण लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में करीब 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जबकि 3 लोगों की मौत हो गई है। इस दौरान एक्सप्रेसवे से गुजर रहे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने घटनास्थल से रुककर यात्रियों से बातचीत की और प्रशासन से गुजारिश करते हुए हर प्रकार की मदद करने की बात कही। प्रतापगढ़ में प्रसपा नेता शिवपाल यादव का सपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह जोरदार स्वागत किया, जहां शिवपाल यादव कुंडामंट गुलशन यादव और छविनाथ यादव के कार्यालय पर कुछ देर रुके। इस दौरान शिवपाल यादव से मिलने के लिए कार्यकर्ता आपस में धक्का मुक्की भी करते दिखाई दिए। झांसी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन चौधरी ने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे कार्यकर्ता सीजनल नहीं है, वो सिर्फ सीजन में नहीं आते हैं। हमारे कार्यकर्ता 12 महीने और 24 घंटे जनता के बीच रहते हैं। हरदोई के लोनार कोतवाली इलाके में सड़क के किनारे काम कर रही जेसीबी मशीन से स्कूल वैन टकरा गई। हादसे में 8 बच्चे जख्मी हो गए हैं, जिनमें से 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। जानकारी मिलते ही सदर एसडीएम स्वाति शुक्ला भी मौके पर पहुंची। सीतापुर के शहर कोतवाली पुलिस ने एक गैंगस्टर मुजीब अहमद की 3.5 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया है। मुजीब अहमद ने गैंग में शामिल सहयोगी के नाम पर यह प्रॉपर्टी खरीदी थी। वहीं इस कार्रवाई के दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। फरुखाबाद में घरेलू विवाद में रिटायर्ड सैनिक ने पत्नी व समधन की गोली मार के हत्या कर दी। वहीं बहू पर भी लोहे की रॉड से हमला कर उसे घायल कर दिया। इसके बाद पुलिस ने रिटायर्ड फौजी को गिरफ्तार कर बरामद बंदूक को भी जब्त कर लिया है। सीतापुर की इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में ई रिक्शा चालक से हुई लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से ई रिक्शा व अन्य सामान बरामद किया गया है। राजधानी लखनऊ में एक महिला ने सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाते हुए पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि उसके पति ने दूसरी शादी कर उसे घर ले आकर उसी महिला के साथ घर में रह रहा है। वाल्मीकि समाज की महिला ने अपने माता पिता के साथ आप बीती सुनाते हुए सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई है। हरिद्वार के पिरान करियर इलाके में हजरत सूफी हनीफ साबरी लंगर खाने का रोजाना आयोजन किया जा रहा है, जहां सैकड़ों लोगों को भरपेट खाना खिलाया जाता है। 3 शेड के नीचे चलने वाले इस लंगर को अतिक्रमण के नाम पर हटा दिया गया है। इसके बाद एसडीएम को पत्र लिखकर 3 शेड को दोबारा लगाने की मांग की गई है, जिसमें लंगर सुचारू रूप से चलाया जा सके। कौशाम्बी में एक मनचले ने सरेरा युवती से छेड़छाड़ की और विरोध करने पर युवती से मारपीट की। युवती के शोर मचाने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं छेड़छाड़ का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। राजधानी लखनऊ में अखिल भारतीय पासी समाज की ओर से आशियाना स्थित महाराजा बिजली पासी के 11 किलो से अवैध कब्जा हटाने की मांग की गई है। इसके अलावा किले के सौंदर्यीकरण और किले की बाउंड्री बनाए जाने की भी प्रदेश सरकार से मांग की गई है। सीतापुर में कोहरे के कारण बड़ा हादसा हो गया, जहां लखनऊ से आ रही शिक्षकों से भरी वैन डीसीएम से टकरा गई। हादसे में 8 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 लोगों की हालत नाजुक देखते हुए उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया है, जबकि 6 लोगों का मिश्रिक सीएससी में इलाज किया जा रहा है। बलरामपुर में आयुष्मान भारत योजना के तहत बनाए जा रहे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है, जहां मानक के विहीन घटिया सामग्री से निर्माण कराया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि इसकी कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई है, लेकिन कोई सुनवाई आज तक नहीं की गई। सुल्तानपुर में पीआरडी इंचार्ज रंजीत सिंह के चार्ज लेते ही पोस्ट ऑफिस चौराहे की तस्वीर बदल गई है, जहां लोगों और दुकानदारों को जाम के झाम को झेलना नहीं पड़ रहा है। वहीं इससे पहले लोगों को इस चौराहे से निकलने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। फिलहाल जाम से निजात मिलने के बाद पीआरडी इंचार्ज रंजीत सिंह की हर तरफ खूब चर्चा हो रही है। काफी इंतजार के बाद अजय देवगन की फिल्म भोला का फर्स्ट लुक सामने आया है, जिसमें अजय देवगन खूंखार और डरावने दिखाई दे रहे हैं। इस लुक में उनके माथे पर भस्म और आंखों में एग्रेशन दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। रेगुलर कप्तान रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज नवदीप सैनी दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। ये मैच 22 दिसंबर को शुरू होना है। चोट की वजह से रोहित शर्मा पहला मैच भी नहीं खेल पाए थे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी बड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे माई भारत न्यूज़।